दी जा रही है। ये हमारे एक भैया है, उनका एक्सपर्ट पपी। ये आपको 275 का आएगा। हाँ हाँ, बर्गर आपका कैट हाउस हो गया, वो कैट को कैरी करने के लिए हो गया, वो कैट को उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज 18 फरवरी है और सुबह के 11 बज रहे हैं। आज हमारे कॉलेज में डॉग शो और कैट शो है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ और वो सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको। बहुत बहुत आज ये वीडियो ना बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसे डॉग की वैरायटी देखने को मिलेंगे और इतने प्यारे प्यारे कैट्स देखने को मिलेंगे जिसको देख के आप शौक हो जाओगे। तो वीडियो को 4 times ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। जज की भूमिका निभाएंगे यहाँ पे सर, आपका स्वागत। और हम अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर, आज बिहार समय दिया, इतने दूर से आप यहाँ पे बता रहे हैं सर, आपका स्वागत। मैं भी आपका विद्यार्थी रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद मोइन अंसारी साहब, जो कि आज कैट शो के शल्य चिकित्सक, क्योंकि भारत ही नहीं पूरे एशिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और आज इनका इस प्रांगण में स्वागत किया जा रहा है। सर पहली बार आज यहाँ पे बधा रहे हैं और एक जूरी के रूप में आज यहाँ पे अपना योगदान देंगे। मैं आपको इनका परिचय कराता हूँ। सर सर्जरी विभाग के हेड रहे हैं भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको मक्का मदीना कहा जाता है वेटनरी का। और हम देख पा रहे हैं हमारे डायरेक्टर रिसर्च अपने धीरे धीरे कदमों से डायस की ओर बढ़ते हुए। सर आपसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ पे आए। सर डायरेक्टर एक्सटेंशन जितना ये पूरा प्रांगण ही है, ये हमारे इंडिया का ही इंडियन मैस्टिफ बोलते हैं या बुली कुत्ता बोलते हैं, बनाते हुए एक साल स्वागत कर रहे हैं। हाँ, और प्रांगण में धीरे धीरे और जो पेट से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो अपने इसको हरियाणा से लाए थे, निपुण हैं, इनकी दक्षता है। इसका प्राइस पड़ा था 40 के। विज्ञान विश्वविद्यालय अपने आप में गर्वान्वित है कि ऐसे ऐसे जो हमारे निर्णायक मंडल को, इसको पूरा पूरी हम लोग देसी डाइट देते हैं, चावल रोटी दही चिकन और सीजनल सब्जी के साथ। मेनली ये गार्डिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, लेकिन मेरे घर में आज सच गार्डिंग का कोई वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं शौक से इसको। पोमेरिया नहीं है, वो जर्मन स्पिट्स है, जर्मन स्पिट्स है, जर्मन स्पिट्स है, स्पिट्स। हाँ, ये अभी एक साल का जस्ट आज ही एक साल का हुआ है। तो सर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। अच्छा, तो कहाँ जाए? ये हमारे एक भैया है, उनका शॉप है, वहीं से एक्चुअली हमने परचेस किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम रॉकी है। सर यूएसए इम्पोर्ट किया हुआ है। यूएसए इम्पोर्ट किया हुआ है? जी हाँ। कितना साल की है ये? अभी 2.5 साल की है। 2.5 साल की? जी हाँ। खाना पीना क्या देते हैं? मीट है सर। कितना साल बताए? 2.5 साल सर। 2.5 साल का? जी हाँ। फीमेल है सर। बच्चा अच्छा दी है? जी हाँ सर। हाँ, बच्चे का क्या करते हैं? सेल हो गया है। सेल हो गया, कैसे बेचते हैं एक बच्चे को? 5 लाख पर पपी। एक बच्चे को 5 लाख? जी हाँ। देख रहे हो भाई साहब, ब्लॉग रखते हैं और एक बच्चे को बेचते हैं 5 लाख में। और कितना बच्चा देता है एक टाइम? 7। 7 बच्चा दिया था। देख सकते हो आप, ब्लॉग के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। कितनी प्यारा ब्रीड है और इतना महंगा इतना है, वो बेचता है। आपका नाम क्या? इंद्रनील बशाक। इंद्रनील बशाक। इंद्रनील बशाक। कहाँ से आए हम लोग? मोनोलक स्टेडियम, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर। जी हाँ। हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी
स्टेशन और फाइनेंस कंट्रोलर हमारे बीच में ठाकुर सर, मैं इनका परिचय करा दूँ। ये और उसके पहले से भी हमारे पास लैब्राडोर है और हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर का सम वाइट है, व्हाइट कलर का सम वाइट, सम वाइट, हाँ सम वाइट पेरेंट्स व्हाइट व्हाइट कलर का सेवेरियन हस्की है, व्हाइट कलर का ब्रूस मंच के, उसके बाद वो इंग्लिश बुलडॉग है, हाँ इंग्लिश बुलडॉग है ये, और फिर बीगल है उधर, बहुत जल्दी हमारे सारे, फिर जर्मन से पट उधर सारे आपके, हाँ सारे हमारे, कहाँ से आए हैं आप? हम दानापुर से आए हैं, शुरू किया जाएगा जो कि एक ब्रीड बर्ड में आएंगे पंथर, जो स्मॉलर ब्रीड्स होंगे वो क्या नाम है इसका, पंथर नाम है इसका, पंथर चलेगा। सुनो और ये कितने साल का है? ये सुनो तीन साल का है, और वो ब्लैक पैंथर और ढाई साल का है, ये स्नो है, हाँ वो भी वो साढ़े तीन साल का है, ब्रूस हस्की है, इसको ट्रेन करवाएं, हाँ कुछ ट्रेन है थोड़ा बहुत, हाँ ब्रूस कम अभी नहीं आएगा, पकड़े हुए ना वो, सबसे ज्यादा वो ट्रेंड कौन है जो एक बार बुला तो आ जाए दौड़े कुछ ऐसा एक्टिविटी, ये सर कौन, ये सब है, हाँ ये दोनों, ये इंग्लिश बुलडॉग कितने महीने का है? इंग्लिश बुलडॉग 6 मंथ का है, 6 मंथ का है, हाँ। ये ब्लैक जर्मन सफर्ड है, ओनली 10 मंथ मुजफ्फरपुर, यस ये 10 महीने का है, वर्ल्ड चैंपियन का सन है, डायरेक्ट इम्पोर्टेड है, अचानक हाँ जी अभी 10 महीने का है, हाँ अभी तो 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है ना, ये मिल है, मतलब है मैं साहिल को वर्ल्ड चैंपियन का डायरेक्ट सन है, इम्पोर्ट है, इसको पाकिस्तान से मंगवाए हम लोग, नेपाल होते हुए, नेपाल होते हुए फिर जाके लाए हैं, ये इनका स्वागत डॉक्टर दिलीप सर का, 4 लाख जो कि बहुत दूर से नालंदा से दूर सफारी से चल करके यहाँ पे, अभी तो अभी 6 महीना बाद, 4-5 महीना बाद कम से कम, यहाँ पे और अभी नहीं, कम से कम 14-15 महीने का हो जाता है सर, इस पर कम से कम 30-40 हजार का महीना खर्चा है, एक हाँ बिल्कुल आजा कम, और ये हैप्पी हार्मोन राजा जब हम डॉग के काफी करीब होते हैं तब ये रिलीज होता है, और इसका नाम बुलेट है, फ्री टच फील करवाता है, बुलेट काम, बात करें डोपामिन की तो ये हमें टेंपरेरी फील गुड टाइप, पूरे बिहार में या इंडिया में भी इसके लेवल का डॉग होगा, और एंडोर्फिन पेन रिलीविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये था डॉग डी ओ एस फाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारा ड्रिप, हां अभी इसका अभी इसको तैयार करेंगे, आपका जो सेकेंड अब तैयार होने वाला चीज है वो भी आ गया है, हाँ नहीं नहीं वो भी मंगवाए हैं, वो भी हेलो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी पंक्ति और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ से घोषणा करूंगा और हमारे जजेस रेडी हो रहे हैं, सारे जज यहाँ पधार चुके हैं, 5 महीने का ये बहुत जल्द ही ₹30,000 जो रिंग बना है खास करके डॉग, और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, जजेस को ले जाएं और दो टाइम हम जो फास्ट फूड होता है लोग का लगभग 11 बजे कितना शुरू करेंगे, खास करके जिस ब्रीड की संख्या ज्यादा होगी उनकी जजमेंट करेंगे, जिसमें की दो मेरा ही है, एक बड़े ब्रीड और छोटे सेम है 5 महीने का, जो की ब्रीड हम करेंगे और तैयार किए हैं उनके बॉडी वेट के अनुसार, नहीं अब जाड़ा की बात करवाएंगे, ठंडा बाहर नहीं निकाल रहे थे, अच्छा अच्छा, उसको लार्जर रिंग में रखा जाएगा, दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा ये हल्का उसे है, रिंग्स में जजमेंट होगा, इसी के साथ ही 40+ मेटिंग करवाते हैं इसका, हाँ कराते हैं, कितना पैसा लेते हैं मेटिंग का? 40 के, एक मेटिंग का 40 वगैरह लेते हैं, देख रहे हो ये पंजाब से लाए थे, जर्मन शेफर्ड है इसका, रमेश तिवारी से अनुरोध है कि कृपया मंच की तरफ आए, 4 साल का है भाई, मीटिंग करवाते हैं डॉग इससे, आपका नाम क्या हुआ? नित्यानंद कहाँ से हैं? पटना डॉग से रिलेटेड मेडिसिन है एंड फूड सप्लीमेंट है, वेटिना हेल्थ केयर
ये पुणे बेस्ड कंपनी है, इसका कुछ इम्पोर्ट प्रोडक्ट भी है बाहर से, जैसे TRM का प्रोडक्ट है, RB29 हाउस प्रोडक्ट के लिए वेनोलैक है, सेरेलैक है, जिसको इसके अंदर मदर कलर स्टॉर्म है जो पपीज का ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। अगर कोई वीक डॉग है या पार्वोस अग्रेसिव अगर डॉग है कोई, तो उसके लिए हम लोग का रिकवरी डाइट आता है जो बहुत ही उसमें रिकवर डॉग करने में बहुत ही मदद करता है। इसे जॉइंट्स के लिए भी हम लोग के पास में है, जॉइंट पेन, हिप जॉइंट सपोर्ट के केसेस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग के पास में है पपीज के लिए शैम्पूज, जो बहुत कम कंपनी हमारे परफ्यूम प्योर लिक्विड फॉर्म में है, डॉग्स एंड कैट्स बहुत में चल रहा है, कैट के लिए परफ्यूम भी। और ये सोलमन ऑयल है जो हम लोग नॉर्वे से लाते हैं, इसको सर ये स्किन एंड कोट के लिए है सर, मोबिलिटी के लिए और फूड के लिए सर, ये भूख लगाता है और सर हार्ट बीट में सर अच्छा करता है। इसमें सर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं और यूजफुल हो सकता है ये सर। इसमें हमारा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्लीन पेक्टिन है जो सर आप इसको चला सकते हैं सर। अच्छा, ये आपका जो कंपनी है वो सारा डॉग से ही डील? हाँ हाँ हाँ, डॉग से ही, स्पेशली डॉग का ही। हाँ, स्पेशली डॉग, डॉग कैट डोन सर, डॉग कैट डोन। उसका शैम्पू वगैरह है, बर्ड फूड वगैरह भी है, कैट फूड है, डॉग फूड है और एक्सेसरीज है। कुछ बताइए कुछ आपका स्नैक्स का? हाँ हाँ, मेन हमारा ग्रूमिंग पार्ट्स भी है और स्नैक्स है। स्नैक्स में हमारे पास 300 वेराइटी है। कुछ स्नैक्स दिखाइएगा एक दो। ये सारे स्नैक्स है, जैसे जैसे ये ये है बर्गर भी है, बर्गर भी है। हाँ, ये बर्गर है, ये आपको 275 का आएगा, 275 का है ये। हाँ, डॉग के लिए है। हाँ, बर्गर आता है के लिए, एक बर्गर है जो 275 है। हाँ, का है। इतना महंगा इंसान का भी बर्गर नहीं होता है, देख सकते हो आप। हाँ, खरीदते भी हैं कितने जो डॉग का बिस्किट्स वगैरह भी है, काफी अच्छा ये बिस्किट्स वगैरह बिस्किट है, ये चिकन बिस्किट सर, बिस्किट है। ये कितने का है? ये आपका 225 का है, ये 220 रुपए का है। ये कितना चलेगा, एक दिन या दो दिन? ये आपको देने के ऊपर है, आप किस तरह से उसको आप दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अलग अलग। ऐसी कैजुअली खिलाते हैं या कोई कुछ नहीं, ऐसे ही स्नैक्स के अंदर आप ट्रेनिंग पार्ट्स में आप उसको दे सकते हैं। ये बहुत सारे स्नैक्स आते हैं, जैसे कि आपको अगर बहुत सारा स्नैक्स लग रहा है आपके पास, एक एक करके थोड़ा दिखाइएगा क्या क्या है थोड़ा। जैसे ये डेंटल रेंज है, डेंटल? हाँ, ये डेंटल रेंज है। ये कब देते हैं? ये आप जैसे डॉग को आप सुबह सुबह दे सकते हैं। अच्छा। जो उसका स्मेल वगैरह आता है मुंह से, वो और टीथ में जो स्टार्टर जम जाता है वो सब खत्म हो जाएगा और मुंह भी बदबू नहीं करेगा। और ये बेटर बोन क्या है? ये बेटर बोन, ये इसका स्नैक्स है, ये देख सकते हैं, डक का बना हुआ है। हाँ, स्नैक्स ये अच्छे क्वालिटी का है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है। ये आपका 450 का रेंज में आता है। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन चलेगा। हाँ, ये 10 पीस रहेगा, ये पर डे आप उसको एक पीस दे सकते हैं। ये स्नैक्स इतना डॉग बहुत अच्छा लाइक करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप कोई ट्रेनिंग वगैरह आप खुद से अगर देना चाहते हैं यूट्यूब से वगैरह देखकर, तो आप ये स्नैक्स जो लाइक करता है आप उसको दीजिए। और उससे क्या होगा, अगर जो डॉग आपको पसंद कर रहा है, जो स्नैक्स अगर पसंद कर रहा है, वो देने से क्या होगा, जो आप उससे आप बोलिएगा वो आपको करेगा उस समय। ठीक, ओके सर। नहीं, ये सब सारा कैट से रिलेटेड है। ये कैट लीटर हो गया, ये कैट लीटर ट्री हो गया, ये कैट लीटर ट्री हो गया स्मॉल, ये कैट लीटर ट्री हो गया लार्ज में, वो कैट हाउस हो गया, वो कैट को कैरी करने के लिए हो गया। अच्छा, वो कैट को कैरी करने के लिए हो गया, वो ग्रूमिंग करने के लिए हो गया, ग्रूमिंग करने के लिए, वो ट्रिमर हो गया, वो टॉय हो गया, कैट का है, वो क्लॉथ्स हो गया। अच्छा, देख सकते हो, वो एंजल हार्नेस हो गया, लोग कैट पालते हैं, वो टूथब्रश हो गया, नेल कटर हो गया, कंघी हो गया, चीज है जो कैट को कैरी करने के लिए बैग है, टूथब्रश, नेल पेंट से लेकर के ड्रेस और उसका घर तक सारा चीज उनके पास, सारा चीज। आप अपना दुकान की बात बताइए। मेरा दुकान अनिल फणवा, राजेंद्र नगर, पटना।